अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, इसी साल हुए विधानसभा चुनाव की ही तो बात है, जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सपाई मुखिया अखिलेश यादव के दम पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को चुनाव बाद भीख मंगवाने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि योगी को गद्दी से हटाकर वहां भेजेंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी बाबा जो हम पहले उन्होंने सदन में टाली, हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप भीख मांगना सिखा देंगे, भीख मांगने की शिक्षा देंगे, किसके लिए कहा, क्यों कहा? गोरखपुर एक ऐसा सेंटर है जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं के मुख्यमंत्री जी हैं। तो आप आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं? जो 22 में सरकार बनाएंगे, वोटों से सरकार बनती है, हम अपने वोटरों को तैयार कर रहे हैं, काफी तो जनता जांचेगी ना, नेता तो कोई जांचेगा नहीं। तो आप योगी जी को भीख मांगना सिखाएंगे? वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग कहाँ, गोरखपुर में दी जाती है कि लखनऊ में? गोरखपुर में। गोरखपुर में। कहते हैं समय सबका आता है और आज योगी आदित्यनाथ का समय है, तभी तो यूपी चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ से भीख मंगवाने की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर मंगलवार की देर रात खुद सीएम योगी के दरबार में फरियाद लेकर पहुंच गए और फरियाद भी ऐसी कि सीएम योगी उन्हें मना नहीं कर पाए, ये जानते हुए भी कि ये वही राजभर हैं जिन्होंने सियासी मंच से कभी उनसे भीख मंगवाने की बात कही थी। दरअसल विधानसभा चुनाव हारते ही सपा से हाथ छुड़ाने वाले ओम प्रकाश राजभर आजकल बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तभी तो कभी राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को उनके विधायक वोट डाल आते हैं, तो कभी रात के अंधेरे में सीएम योगी के आवास पर नजर आते हैं। मंगलवार को ही ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर सीएम योगी से मिलने के लिए पहुंच गए और इस बार वो फरियाद लेकर गए थे कि उनकी राजभर बिरादरी को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करवा दिया जाए। ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी के सामने ये मांग रखी और योगी भी उनकी मांग तुरंत मान गए और राजभर जातियों को जनजातीय समुदाय में शामिल करने का प्रपोजल बनाकर केंद्र को भेजने का भरोसा दे दिया। आप भी सुनिए सीएम योगी से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा। 8वीं विधानसभा जब सत्र चला था तो उसमें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन वो यहीं रह गया। उसी प्रस्ताव को लेकर के हाई कोर्ट में रिट दाखिल हुई, हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2022 को एक आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजकर अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का काम करे। 2 महीना बीत गया, सरकार ध्यान या सुध नहीं ली। उसके बाद फिर हमारे साथी कोर्ट गए तो कोर्ट ने 1 महीने का फिर नोटिस दिया कि 1 महीने के अंदर इसको करके अवगत कराए। इस बात को लेकर के कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रात को 8:30 बजे के लगभग मिला और उनको पूरी बात से अवगत कराया कि समय समय पर भर राजभर जाति को विमुक्ति जाति का शासनादेश प्रमाण पत्र जारी करने का भी आदेश हुआ है और जाति प्रमाण पत्र बना है। तो ये जाति विमुक्ति जाति में 19 जातियां थी, 1 से लेकर 19 तक 17वें नंबर पर भर जाती थी। शेष जातियां कोई अनुसूचित जाति में चली गई, कोई जनजाति में चली गई, ये छूट गई। तो इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, इस बात को कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं पूरी फाइल लेकर के गया और उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी सहमति जताई और समाज कल्याण को तुरंत उन्होंने आदेशित किया कि ये प्रस्ताव बना करके तत्काल भारत सरकार को भेजा जाए। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी बिरादरी को एसटी में शामिल कराने की फरियाद लेकर गए तो सीएम योगी भी तुरंत उनकी बात मान गए और अपने अधिकारियों को आदेश दे दिया कि प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है। वैसे तो सीएम योगी और ओम प्रकाश राजभर के बीच हुई ये मुलाकात राजभर बिरादरी को एसटी में शामिल किए जाने की मांग से जुड़ी बताई जा रही है, लेकिन सियासत में तो हर मुलाकात के कुछ न कुछ मायने जरूर होते हैं
और साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से योगी सरकार ओम प्रकाश राजभर के प्रति नरम रुख दिखा रही है, उसके बाद से ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं कि राजभर क्या फिर से बीजेपी से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में सियासी बदलाव के बाद नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं और उनके यूपी की फूलपुर सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी तेज हैं। नीतीश कुमार की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए ओपी राजभर और सीएम योगी की मुलाकात को खास माना जा रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी भी अपने साथ ज्यादा से ज्यादा दलों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर सकती है। बहरहाल राजभर और योगी सरकार के बीच बढ़ती नजदीकियों के बारे में आपका क्या कहना है? क्या एक बार फिर राजभर की पार्टी के साथ बीजेपी को गठबंधन करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।